अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, इस वक्त हमारी फ़्लाइट जो है वो मुल्तान से रियाद के लिए रवाना हो रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि हम लोग किस तरह से फ़्लाइट में एंटर हो रहे हैं और किस तरह से आगे सब जो भी हम लोग करते जाएंगे, आप भी हमारे साथ सफ़र करते जाइएगा। तो जी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है फ़्लाइट का, और हमारी फ़्लाइट जो थी वो तकरीबन 3 घंटे की थी। तो इसी दौरान में हम जैसे ही सीट्स पर बैठे थे, थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस वगैरह जो थी वो ब्रेकफास्ट लेकर आ गई थी, और साथ में आप इनकी ड्रेसिंग वगैरह भी देख सकते हैं। मैंने सोचा आपको छोटा सा व्यू इनका दिखा दूँ। और ब्रेकफास्ट किसी भी फ़्लाइट का मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और मे बी के बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता ब्रेकफास्ट इनका। लंच और डिनर फिर भी बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर जी मेरा ग्लूटेन फ्री मील आ चुका था। मेल में ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट जो था वो कन्फर्म किया हुआ था, तो मुझे उन्होंने ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट दिया था, जबकि बाकी हम जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने नॉर्मल जो भी ब्रेकफास्ट होता है वो ऑर्डर किया था, तो उनको वो मिला था। तो मैं अभी आपको ओपन करके भी इसकी लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, अंदर से कुछ ही ऐसे ऑमलेट है, इसके अंदर मशरूम्स हैं और साथ में बीन्स हैं, किडनी बीन्स इसे बोलते हैं, फ्रूट सैलड भी है। और साथ साथ हम लोग फ़्लाइट भी चेक कर रहे थे मैप पर कि हमारी फ़्लाइट जो है वो इस वक्त कहाँ से कहाँ जा रही है। तो ये मुल्तान से, आप लोग देख सकते हैं, मुल्तान से ये बहरीन मनामा जो एयरपोर्ट का नेम है वहाँ पर, उस पर ये जा रही है। और ये पूरा ट्रैक हमें शो हो रहा था मैप पर, और हम लोग यहाँ से भी देखते रहते हैं तो इंसान को काफ़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, और नीचे भी सब कुछ नज़र आता रहता है। तो यहाँ पर जी एयर होस्टेस जो हैं वो सबको ब्रेकफास्ट देकर जा रही हैं वापस। और इसके बाद जी हम लोग उतर गए थे बहरीन, और ये है जी बहरीन का प्यारा सा एयरपोर्ट, और बहुत ही प्यारा सा, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर एक छोटा सा मेडिकल कैंप सा जिसे कह दें वो था, जहाँ पर कुछ एयरपोर्ट्स पर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो एम्बुलेंसेस वगैरह मौजूद होती है। ये छोटी सी एक एम्बुलेंस है, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। और यहाँ से जी ट्रांसफ़र फ़्लाइट्स होती हैं जो कि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, जैसे कि अभी हमारी फ़्लाइट रियाद जानी थी तो यहाँ पर फिर हमें भी ट्रांसफ़र किया था। और यहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं गाइड करने के लिए, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि इंसान भूल जाए, बल्कि किसी से भी पूछ सकते हैं। और यहाँ बाकायदा लोग गाइड करने के लिए 2-3 लैंग्वेजेस में बोल रहे होते हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं और पाकिस्तानी लैंग्वेज भी बोल रहे थे, अरेबिक भी बोल रहे थे, इंग्लिश भी बोल रहे थे। तो आप किसी से भी यहाँ पर मालूम कर सकते हैं किस डायरेक्शन में आपने जाना। तो यहाँ पर जी थोड़ा वेटिंग एरिया है, और वेटिंग एरिया काफ़ी प्यारा है बहरीन का। मैं कई वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ, तो मैंने इस दफ़ा इतनी डिटेल में नहीं दिखाया, बस थोड़ा सा कॉर्नर दिखाया जहाँ हम लोग बैठे थे, और इसके बाहर का व्यू इतना ही प्यारा था कि, और ये इसके साथ में जो और बेंचेस वगैरह थे ये भी काफ़ी थे। और यहाँ बहुत बड़ा प्लेन हमें नज़र आ रहा था, तो हम लोग इसीलिए इस साइड में बैठे थे क्योंकि हम प्लेन वगैरह इजीली देख सके और बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर सके। तो इसके बाद ही हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया था, और फिर हम वापस जो सेकेंड फ़्लाइट थी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गए थे। तो ये अभी रियाद में हम लोग जा रहे हैं, और ये हम लोग फिर अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ओनली मे बी के 40 मिनट में इंसान जो है वो रियाद पहुंच जाता है बहरीन से। रियाद की फ़्लाइट बहुत शॉर्ट फ़्लाइट होती है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ही इंजॉय कर रहे थे बच्चे, और टीवी वगैरह भी ऑन इन्होंने नहीं किए थे क्योंकि इसका जो टाइम था वो काफ़ी शॉर्ट था। तो शॉर्ट फ़्लाइट में बस थोड़ा सा जूस वगैरह और एक एक स्नैक दे देते हैं। इसके बाद हम फाइनली अपने एयरपोर्ट से बाहर आ चुके थे, और यहाँ पर हम लोग रियाद पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि किस रास्ते से जाए, काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग और रश था जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग वेटिंग एरिया में ठहरे हुए हैं। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा